नमस्कार, वेलकम टू कैरियर मंत्रा 9.1। मैं अंकित यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि थंबनेल देखकर आप समझ सकते हैं कि आज की क्लास में हम यूपी ट्रिपल एससी पैट 2023 के लिए एक सबसे बड़ा मुद्दा लेकर के आए हैं। कि सबसे बड़ा मुद्दा हमारा आज का क्या है कि यूपी ट्रिपल एससी पैट 2023 के लिए जो करंट अफेयर्स है, हमारा करंट अफेयर्स है वो हमें कहाँ से पढ़ना है और कब तक का पढ़ना है। ठीक है, बहुत बड़ा मुद्दा है और आज के सेशन में हम ये बात बताएंगे नहीं कब से कहाँ तक पढ़ना है और कहाँ से नहीं पढ़ना है, ये भी हम पढ़ाएंगे भी। ठीक है, तो आज की क्लास का हमारा सबसे बड़ा मुद्दा यही रहेगा कि करंट अफेयर कब से लेकर कब तक का पढ़ें, कहाँ से पढ़ें और साथ में हम ये पढ़ाएंगे भी। ठीक है, तो आपको ये पता ही है कि सबसे बड़ा मुद्दा हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि करंट अफेयर जो है हमारा 10 मार्क्स का आएगा। ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी के पेपर में 10 क्वेश्चन आपके 10 मार्क्स के आपके किससे रिलेटेड रहेंगे, करंट अफेयर्स से रिलेटेड रहेंगे। ठीक है, तो साथ में हम चीजें सब बताएंगे, आगे करंट अफेयर्स के बारे में सारी चीजें हम जानकारी देंगे, कैसे पढ़ना है, तो सारी स्ट्रेटेजी हम आज की क्लास में लेकर के आए। तो बस आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर दीजिए। ठीक है, तो चलते हैं आज के मुद्दे की तरफ। देखिए, हम ये जानने के लिए कि हमें करंट अफेयर्स कहाँ से लेके कब तक का पढ़ना है, तो इसके लिए पहले हमें अतीत में जाना पड़ेगा। अतीत का मतलब क्या है कि इससे पहले जो पैट का पेपर हुए हैं तो उसमें ये देखना पड़ेगा कि करंट अफेयर कहाँ से और कब तक का पूछा गया है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा मतलब वेटेज ज्यादा से ज्यादा कहाँ से कब तक की रही है। तो देखिए, जो पैट 2022 का प्रथम पाली, मैंने केवल एक पाली का पेपर उठाया है और वो जो पेपर हुआ था, जो पैट का प्रथम पाली का पेपर हुआ था 2022 वाला, वो हुआ था 15 अक्टूबर 2022 को। कब हुआ था? 15 अक्टूबर 2022 को। ठीक है, तो अब पेपर आप समझिए कि पेपर कब हो रहा है, 15 अक्टूबर को हो रहा है। 15 अक्टूबर मतलब 15-10 को हो रहा है। ठीक है, अक्टूबर महीने में हो रहा है। तो अब मैंने ये क्वेश्चन उठाए प्रथम पाली के, तो ये 5 क्वेश्चन ही उठाए। देखो, पहला क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन दूसरा ये है, तीसरा ये है, 10 क्वेश्चन आए थे इस तरह से, चौथा क्वेश्चन ये है और 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन ही मैंने उठाए। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि पांचों क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आया अगस्त 2022 से, ठीक है, ये क्वेश्चन भी आया अगस्त 2022 से, ये तीसरा क्वेश्चन भी आया जुलाई 2022 से, ये भी जुलाई 2022 से और ये भी जुलाई 2022 से। तो देखिए, समझने की बात क्या है कि मैंने बस केवल 5 क्वेश्चन ही उठाए और पांचों क्वेश्चन कौन कौन से महीने से हमें मिले हैं, जुलाई और अगस्त से मिले हैं। ठीक है, इसी तरह से मैंने, अगर मैंने उसका पैट 2022 के और पालियों के पेपर भी देखे, ठीक है, तो और पालियों के जो पेपर देखे थे तो उसमें क्या था कि जुलाई के भी क्वेश्चन थे, अगस्त के क्वेश्चन भी थे और जून के क्वेश्चन का भी वेटेज बहुत था। ठीक है, तो हमें एक बात समझ में आ रही है कि जून, फिर हमारा बचता है जुलाई, ठीक है, जून जुलाई, फिर है हमारा अगस्त। ठीक है, ये 3 महीने हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स के मामले में। ठीक है, वैसे ऐसा नहीं है कि करंट अफेयर पीछे का या फिर अगस्त के बाद वाला, वैसे अगस्त के बाद वाला कोई क्वेश्चन मैंने कहीं भी नहीं देखा, पर क्या इससे पीछे क्वेश्चन और सेटों में मैंने देखे, जैसे कि पैट 2021 की भी बात की जाए तो उसमें क्वेश्चन थे, ठीक है, कुछ क्वेश्चन जनवरी के भी थे। ठीक है, पर जो ज्यादा वेटेज मैंने देखी 2022 वाले पेपर में और 2021 वाले पेपर में, जो ज्यादा से ज्यादा वेटेज देखी वो जून जुलाई अगस्त। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, मैं क्या सजेस्ट करूंगा कि आपको क्या करना है, मई जून जुलाई और अगस्त, ठीक है, मई जून जुलाई अगस्त, ये 4 महीने की करंट अफेयर्स तो घोट के पी जानी है। ठीक है, अच्छे से, मतलब बिल्कुल एक तरह से टॉनिक की तरह आप पी जाइए, इतना रीड करिए कि आराम से आपके पैट के जो 10 क्वेश्चन है 10 में से 8 से 9 क्वेश्चन आपके 100% हो जाए। ठीक है, तो मई जून जुलाई अगस्त, तो मैं फिलहाल में आपके लिए क्या करूंगा कि जून से लेकर के अगस्त तक के, जून से लेकर के अगस्त तक के प्रैक्टिस सेट के तौर पर मैं क्वेश्चंस आपको दूंगा। ठीक है, क्वेश्चंस मैं अपने चैनल पर कराऊंगा। ठीक है, आपको मैं ये क्या नाम है, कुछ ही मतलब क्या नाम है, आपको शायद हो सकता है कल मैं आपको क्लास करंट अफेयर्स की प्रोवाइड करा दूं, मैं उसमें शायद 50-50 क्वेश्चन लूंगा। मैं आपको पूरी स्ट्रेटेजी अभी बता दे रहा हूं, 50-50 क्वेश्चन लूंगा और साथ में आपको पीडीएफ भी दूंगा। ठीक है, पीडीएफ का क्या फायदा है कि पीडीएफ आप डाउनलोड करके आराम से उनको रीड कर सकते हैं, रीड दोबारा से रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या है, या तो आप एक बार चैनल पर सुन लीजिए पूरी पीडीएफ को, उसके बाद क्या है पीडीएफ को अपने मोबाइल में स्क्रॉल करके रीड रिवाइज कर लीजिए, या फिर अगर आपको क्या नाम है बुक से क्या नाम है प्रिंटेबल शीट पढ़नी ही पसंद है तो प्रिंट करके आप उसको रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा फिलहाल का टारगेट रहेगा, हम जून के महीने को टारगेट करेंगे, जुलाई के महीने को टारगेट करेंगे और अगस्त के महीने को टारगेट करेंगे। ठीक है, पूरी को संभावना ये रहेगी कि इन 3 महीनों के करने के बाद हम पैट के पुराने पुराना मतलब कि पुराने महीने भी लेंगे, जैसे कि उसके बाद हम मई के क्वेश्चंस भी ले लेंगे, फिर उससे पहले अप्रैल के ले लेंगे, फिर अप्रैल से पहले मार्च, फिर फरवरी और फिर जनवरी,
जनवरी से लेकर के हम अगस्त तक का करंट अफेयर्स देखेंगे। तो इस तरह से आपकी मैं करंट अफेयर्स के मामले में हो सकता है कि आने वाले समय में करंट अफेयर्स के हमारे 10 में से 8-9 क्वेश्चन या हो सकता है 10 में से 10 क्वेश्चन भी हम आपको प्रोवाइड करा सकें अपनी शीट के द्वारा, ठीक है। तो आप बस आपसे निवेदन है छोटा सा, आपको एक ही काम करना, निवेदन क्या है ये तो आपके फायदे की ही बात है, ठीक है। तो बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ठीक है, और साथ में हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि आने वाले समय में आपको पेट से रिलेटेड सारी क्लासेस यहीं पर मिलेंगी, हमारे चैनल पर ही मिलेंगी, ठीक है, करंट अफेयर्स की। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा मौका है पेट 2023 में अच्छा स्कोर पाने का, ठीक है, क्योंकि आपको ये पता ही है कि अगर आप पेट में अच्छा स्कोर कर पाते हैं तो तभी आप जो है नेक्स्ट भर्तियों के लिए अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि मेरिट लगती है, पेट की ही कट ऑफ लगती है, ये आपको सबको अच्छे से पता है, क्योंकि अगर आपने पेट में अच्छा स्कोर नहीं किया तो आप कोई भी भर्ती एक साल तक नहीं देख पाएंगे, ठीक है। तो अब बस आपको एक ही काम करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करना, ठीक है, और अपने भाई बहनों को और अपने साथ के मिलने वाले को भी शेयर करिए, क्योंकि करंट अफेयर्स की परेशानी आज से आपके लिए खत्म होने वाली है। पूरा एक महीना आपकी, एक महीना क्या, क्योंकि लगभग आपके एक महीना 10 दिन, मतलब कि 40 दिन से ज्यादा है आपके, तो आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी करंट अफेयर से रिलेटेड, ठीक है। और भी हम प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा रहे हैं जैसा कि आपको पता ही है, तो आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।